नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों मैं सहायक सह आचार्य इतिहास राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा पिछले व्याख्यान में हमने मोहम्मद तुगलक की योजनाओं और उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों और परिस्थितियों के बारे में में पढ़ा था। इस में हम मोहम्मद तुगलक और उसके अमीर वर्ग के बीच चले राजनीतिक असंतोष के बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अमीर वर्ग की मोहम्मद तुगलक की असफलता में क्या भूमिका रही और यदि मोहम्मद तुगलक का समर्थन उसके अमीर वर्ग ने किया होता तो इतिहास में मोहम्मद तुगलक का स्थान कुछ और ही होता गयासुद्दीन तुगलक अमीरों के सहयोग और समर्थन से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसके शासनकाल में ताज और अमीरों के मध्य सहयोग और समन्वय बना रहा परंतु मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में स्थिति बदल गई सुल्तान बनते समय मोहम्मद तुगलक ने अपने पिता की व्यवस्था में कोई खास फेरबदल नहीं किया और पुराने अमीरों को उनके पदों और जागीरों पर ही बना रहने दिया परंतु धीरे धीरे मोहम्मद तुगलक की निरंकुशता बढ़ती गई और वह अपने अमीरों को अपना अधिकारी और सेवक मात्र समझने लगा उसने उनसे बिना विचार विमर्श मंत्रणा किए ही योजनाओं को लागू करने और सुधारों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जिससे अमीर और उलेमा वर्ग उसके विरुद्ध हो गए और धीरे धीरे उनमें असंतोष बढ़ने लगा सुल्तान ने अपनी बौद्धिक तर्क शक्ति के माध्यम से उन्हें ताज की सर्वोच्चता की विचारधारा को समझाने और उनमें इसी प्रकार की विचारधारा को भरने का प्रयास किया परंतु वह इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके अमीर उसकी तरह बुद्धिमान नहीं थे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे एक निरंकुश शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक अपने सुधारों को लागू करने में अपने अमीरों से हर प्रकार के सहयोग की आशा करता था परंतु उसके अमीरों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके सुधारों और योजनाओं को बुरे ढंग से क्रियान्वित किया जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान को विफल होना पड़ा और धीरे धीरे वह जनता में अलोकप्रिय भी हो गया उसकी योजनाओं में से एक भी योजना ऐसी नहीं थी जिसे अव्यवहारिक कहा जा सकता है और जिसे लागू करना असंभव था यदि उसने अपने अमीरों से विचार विमर्श कर उनकी स्वीकृति के साथ इन्हें लागू किया होता और अमीरों ने उन्हें सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग दिया होता तो शायद परिणाम कुछ और ही होता वस्तु स्थिति यह थी कि अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने वाला सुल्तान अपने अमीरों को अपनी सत्ता एवं प्रशासन का भागीदार बनाने को तैयार नहीं था और उसके बिना और उसके अमीर ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में प्राप्त अपने प्रभाव को खोने के लिए तैयार नहीं थे अमीरों का तर्क था कि ने उनके सहयोग सत्ता प्राप्त की थी अतः सुल्तान को केवल बराबर वालों में प्रथम माना जाना चाहिए अमीरों के विद्रोही आचरण और उसकी योजनाओं की विफलताओं से खिन होकर सुल्तान अपना मानसिक संतुलन खोता चला गया और उन्हें सजा देने के लिए क्रूर से क्रूर उपायों को अपनाता गया में अमीरों ने भी निरंतर अपने विद्रोहों से सुल्तान को अत्यधिक परेशान किया पुराने अमीरों को प्रभावहीन बनाने की दृष्टि से मोहम्मद तुगलक ने अमीर वर्ग के ढांचे में ही परिवर्तन करने का निश्चय किया उसने विदेशी अमीरों को अफगानों को मंगोलों को और हिंदुओं को तुर्की अमीरों पर प्रधानता देनी शुरू कर दी विदेशियों के प्रति वह विशेष रूप से दयालु रहा परिणाम स्वरूप उसका अमीर वर्ग दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया पुराने अमीर यह विश्वास करने लगे कि सुल्तान नए तत्वों और वर्गों को प्रधानता देकर उसके विशेष अधिकारों और प्रभाव को सीमित करना चाहता है क्योंकि सुल्तान के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण वे दरबार में विदेशियों के विरुद्ध अधिक सफल अधिक सफलता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं रखते थे अतः उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शक्ति को सुदृढ़ का प्रयास किया और जब कभी उन्हें संकट का आभास मिलता तो वे तत्काल विद्रोह कर देते सुल्तान ने एक के बाद एक उठने वाले विद्रोहों को दबाने का अथक प्रयास किया परंतु उसके विशाल साम्राज्य का विघटन उसी के साथ शुरू हो गया इस प्रकार हम देखते हैं एक महान प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ नष्ट करना पड़ा और एक शासक के रूप में अलोकप्रियता का चेहरा जो मोहम्मद तुगलक के सर पर बंधा वैसा और किसी सुल्तान के, के, से, के ऐसा सेहरा देखने को नहीं मिलता है जबकि सल्तनत काल के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक विद्वान पढ़ा लिखा और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति था बस उसमें कुछ धैर्य और संयम की कमी थी जिसकी वजह से वह शीघ्र ही उतावला होकर अपनी योजनाओं से इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता और ऐसा न होने पर वह शीघ्र ही उन योजनाओं को त्याग भी देता था जबकि योजनाओं को क्रियान्वित करने के बाद उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने तक व्यक्ति को उसका इंतजार करना चाहिए क्योंकि तो सामान्य प्रकृति का नियम है कि फल समय आने पर ही पकता है और जिस प्रकार से फसल भी अपना पूरा फसल चक्र प्राप्त पूरा करने के बाद ही फसल पकती है लेकिन मोहम्मद तुगलक का चरित्र बहुत विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण था कि आज तक इतिहासकार और विद्वान उसे ठीक से समझ नहीं पाए वह प्रतिभाशाली था या पागल आदर्शवादी था या कल्पना के लोक में विचरण करने वाला रक्त पिपासु था या प्रजा पीड़क या जन कल्याणकारी शासक ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने उठ खड़े होते हैं जिनका संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त होता है मोहम्मद तुगलक का चरित्र और अनेक प्रकार के विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि वह अत्यंत प्रखर बुद्धि वाला विद्वान व्यक्ति था अरबी और फारसी भाषा में उसे उस, उस कोटि की योग्यता प्राप्त थी वह अच्छा साहित्यकार आलोचक और प्रभावशाली वक्ता भी था वह दर्शन नीति गणित विज्ञान ज्योतिष और तर्क शास्त्र जैसे विषयों में भी, भी रुचि रखता था इस्लाम धर्म से संबंधित समस्त धार्मिक ग्रंथों का उसने गहन अध्ययन किया और सामान्य उल्य तो उसके सामने बात ही नहीं कर पाते थे वह आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति था उसमें ज्ञान को पहचानने की भी अद्भुत क्षमता थी अपने द्वारा जारी की गई घोषणाओं और फरमानों को वह स्वयं लिखा करता था कुल मिलाकर उसके समान विद्वान व्यक्ति दिल्ली के सिंहासन पर शायद ही कभी बैठा हो वह सहृदय उदार दानी भी था इब्न बतुता कहता है उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता और दयालुता थी इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक के व्यक्तिगत जीवन की भी सभी इतिहास का प्रशंसा करते हैं भोग विलास, भोगविलासुंदरी और भ्रष्टाचार के उस युग में भी सुल्तान उन मानवीय दुर्बलताओं से बहुत दूर था वह मध्य मद्यपान और भोग विलास का विरोधी था और मद्यपान को नियंत्रित करने के लिए उसने कई कठोर कदम उठाए थे यद्यपि वह एक निष्ठावान मुसलमान था और जीवन में धर्म के नियमों के पालन पर अत्यंत जोर देता था वह पांचों वक्त का नमाजी था परंतु वह अंधविश्वासी नहीं था, नहीं लकीर का फकीर। वह उन नियमों और धार्मिक रीति रिवाजों को मानता था तो उसकी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खड़े उतरते इसीलिए इस्लाम धर्म के विद्वान उलेमा वर्ग उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह धार्मिक व्याख्या करने में भी उनके अधिकारों में खलल डालता था या उनके द्वारा की गलत व्याख्याओं को वह सही करने का प्रयास करता था उसने अपनी तरफ से अपने शासन को धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर चलाने का प्रयास किया उसका ये मानना था कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं राजनीति केवल सुल्तान के लिए है और धर्म केवल उल्लेमा वर्ग तक सीमित है किसी भी उल्लेमा वर्ग को सुल्तान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न्याय के मामले में वह अपने आप को अंतिम निर्णय करता मानता था इस्लामी धर्म शास्त्रों और शरिया और नियम कायदों के अनुसार होने वाले न्याय में भी वह अंतिम अपील करता होता था और काजियों मुफ्तियों द्वारा दिए गए निर्णय को कई बार वह पलट भी देता था वह स्वयं एक काजी के आदेश से कोड़े भी खा चुका था इससे अधिक निष्पक्ष न्याय का उदाहरण इतिहास में मिलना अत्यंत कठिन है जब हम उसके चरित्र और व्यक्तित्व का दूसरा पहलू देखते हैं तो समकालीन इतिहासकार उसे घोर पीड़क अत्याचारी रक्त पिपासु बताते हैं बर्नी और इब्न बतूता दोनों सुल्तान द्वारा संतों अमीरों सैनिकों और साधारण जनता की हत्याओं का जो दिल कंपाने वाला वर्णन करते हैं उससे लगता है कि सुल्तान मनुष्य के खून का प्यासा हो गया था इसी आधार पर उसे पागल या सनकी भी कहा जाता है लिखता है कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था परंतु इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि में विश्व के सभी देशों में प्राण दंड और अंग भंग की देना एक सामान्य बात थी मोहम्मद तुगलक साधारण और भीषण अपराधों में अंतर समझने की विवेकपूर्ण बुद्धि का उसमें अवश्य अभाव दिखता है उसकी गलतियों कारण उसका पागलपन नहीं बल्कि संतुलन का अभाव था वस्तुतः इस प्रकार के आरोप लगाने वाले समस्त मुस्लिम इतिहासकार, का उलेमा वर्ग से सदस्य थे और सुल्तान ने उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर उन्हें भी सामान्य लोगों की भांति दंडित करना शुरू कर दिया था अतः वे लोग सुल्तान के प्रति द्वेष भाष रखते थे और उन्होंने सुल्तान को बदनाम करने की दृष्टि से उस पर इस प्रकार के आरोप लगाए एक शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक पूर्णतया असफल रहा परंतु जिस समय वह शासक बना उसने एक विशाल साम्राज्य और भरपूर राजकोष प्राप्त हुआ परंतु मरते समय वह उस विशाल साम्राज्य का बड़ा भाग खो चुका था उसकी शासन व्यवस्था लड़खड़ा रही थी राजकोष खाली हो चुका था और शासन व्यवस्था को सुधारने और जनता के परोपकार के लिए उसने यद्यपि अनेक सुधार किए नए नए प्रयोग किए योजनाएं बनाई परंतु लगभग सभी में वह नाकामयाब रहा इसका मूल कारण उसका उतावलापन और अस्थिर मति थी वह किसी भी योजना के व्यावहारिक पक्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं देता था और एक निरंकुश शासक होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श लेना भी पसंद नहीं करता था उसकी विफल योजनाओं से जहाँ एक तरफ राज्य को अपार आर्थिक हानि उठानी पड़ी वहीं दूसरी तरफ जनता को आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक कष्ट भी उठाने पड़े परंतु वस्तु देखा जाए तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उसकी योजनाएं पागलपन के सनक नहीं थी यदि परिस्थितियों और उसके अधिकारी वर्ग ने उसका साथ दिया होता तो वह अवश्य सफल होता और इतिहास में उसका एक अलग ही मकाम होता धन्यवाद जय हिंद